Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Jainism, relativism or epistemology and metaphysics, and in today's segment we are going to learn about Jainism's ethics. Let's start our topic without any delay of time. Jo Jainism ethical codes hain wo suggest aur prescribe karte hain to dharmas ko, means rules of conduct ko ya right behavior ko. वन रूल जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स इट इज़ फॉर द नन्स या प्रीस्ट्स के लिए. और जो अनदर रूल है वो है हाउस होल्डर्स के लिए जो कि कॉमन लाइफ स्पेंड करते हैं. बट बोथ फॉर बोथ जो जैनिज्म है वो सजेस्ट करते हैं आल्सो फंडामेंटल वोज को. अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो रूल्स हम कंडक्ट्स हम घर पे यूज़ करते हैं उनको जैनिज्म में रिकॉर्ड किया जाता है एज स्मॉल वोव्स या माइनर वोव्स. और जो एस्थेटिक्स है वो है नन्स के लिए, ये जो वोव्स हैं ये नन्स के लिए हैं या प्रीस्ट्स के लिए हैं, ये हमें आल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं और मैंडेटरी देखने को मिलते हैं बोथ फॉलो करने के लिए. सो अगर हम इन फाइव वोव्स की बात करें, सच एज अहिस्मा एज नॉन वायलेंस, सत्या एज ट्रूथ, असत्या एज नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचार्य एज चेस्टी, अपारिग्रह एज नॉन पोजेशन, ये जो वर्ब्स हैं ये बोथ मैंडेटरी हैं फॉर एस्केटिक्स एंड हाउस होल्डर्स के लिए. जिन टेक्स्ट पुरुषार्थ सिद्धा पाया के अकॉर्डिंग ये जो फाइव वर्ब्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्योर नेचर और सोल के लिए. इन फाइव वोव्स के अलावा हम ऑब्जर्व करते हैं थ्री मेजर टाइप्स ऑफ वोव्स. दीज आर महावार्तास मेजर वोव्स, अनुवार्तास माइनर वोव्स और सालिखाना वोव्स. सो अगर हम महावार्ता मेजर वोव्स की बात करें जो कि एक प्रीस्ट या नन को फॉलो करने होते हैं, ये जो वोव्स हैं ये हमें मेनली फाइव देखने को मिलते हैं विद इन दियर नंबर. और अकॉर्डिंग टू आचार्य समाना भाद्र रातना कारा दाका सरवा का सारा, ये जो वोव्स हैं ये हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं जो कि हमको सेव कर सकते हैं कमिट करने के लिए एनी सिनफुल एक्ट सच एज इंजरी, फॉल्सहुड, स्टेलिंग, अनचेस्टी एंड अटैचमेंट. और इन वोव्स को या इन एक्ट्स को एक इंडिविजुअल रिमूव कर सकता है और वो बिल्ड और डेवलप कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को. एनीवेज नाउ अगर हम बात करते हैं इन मेजर वोव्स की वन बाय वन. फर्स्ट वन जो है वो है अहिस्मा, जिसका मतलब है नॉन इंजरी. ये जो वोव है ये हमें मेजर और फॉरमोस्ट वोव देखने को मिलता है विद इन द जैनिज्म. और जैनिज्म टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दैट इज तत्वार्थ सूत्रा अहिस्मा, जिसका मतलब है नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग्स जो कि पजेस करते हैं लाइफ को. सेकेंड वन जो है वो है सत्या. जो सत्या वो है ये डील करता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमें ऑलवेज ट्रूथ बोलना चाहिए. और जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो माँ या नन होगा या प्रीस्ट होगा उसको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या झूठ बोलने के बजाय वो साइलेंट रह सकता है या वो ट्रूथ बोल सकता है. और अकॉर्डिंग टू प्रवीण शाह सत्या जो है इसका मतलब है ट्रूथ स्पीच डीड. और इसका आल्सो मतलब है डिस्कोरस और अपोज करना टुवर्ड्स द फॉल्सहुड और लाई. और इसके अकॉर्डिंग जो फॉल्सहुड या झूठ बोलना है वो हमें आल्सो देखने को मिलती है एज हिंसा या इंजरी. थर्ड वन जो है वो है अस्तिया, जिसका मतलब है चोरी ना करना या एनीथिंग जो भी फ्रीली कहीं पे कुछ होगा तो हम उसको नहीं ले सकते हैं विदाउट परमिशन, वेदर वो वर्थलेस हो या वर्दी हो. और एक पर्सन को अपने आप को सेव करना चाहिए फ्रॉम द असत्या एक्शन स्पीशीज और थॉट से. फर्दर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो पर्सन है उसको ना ही एनकरेज करना चाहिए असत्या को और ना ही प्रमोट करना चाहिए ऐसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को. अकॉर्डिंग टू पुरुषार्था सिद्धा पाया जो जैन टेक्स्ट हैं एक्चुअली जो कि बात करता है also about the non stealing, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं दिया जाएगा तो आप उसको चोरी नहीं कर सकते हैं जो कि एक्चुअली एक इंजरी और हिंसा है. और अकॉर्डिंग टू तत्व रथा सूत्रा अवॉइड करने के लिए अस्तिया को एक पर्सन को एक पीसफुल लाइफ रहना चाहिए और उसको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं होगा और या उसको अवॉइड करना होगा फॉल्सहुड को
और पर्सन को एक्सेप्ट और खाना चाहिए एक क्लीन फूड को, और उस एक पर्सन को फाइट नहीं करना चाहिए विद मॉक्स और प्रीस्ट्स या नन्स। फोर्थ वन जो है वो है ब्रह्मचार्य। जो ब्रह्मचार्य हैं ये हमें ग्रेट सिग्निफिकेंट वो देखने को मिलता है विद इन द जैनिज्म, जिसका मतलब है अवॉइड करना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी की या वर्ड्स और माइंड की, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वर्ड्स के थ्रू या माइंड के थ्रू या माइंड में आते हैं, तो उनको हमें मेनली अवॉइड करना है यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एक मॉन्क या प्रीस्ट या नन उसको अप्रूव और इंडल्ज नहीं होना चाहिए विद इन दीज सेंसुअल प्लेजर्स और प्लेजर्स ऑफ फाइव सेंसेस, और उसको आल्सो लर्न करना चाहिए अवॉइड करना इन एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ जो मेजर वो है अपारिग्रह। अकॉर्डिंग टू तत्व रथास्त्र जो अपारिग्रह है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन या अटैचमेंट ऑफ सेक्सुअल पोजिशन। सो जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो अपारिग्रह है इसके हमें टू काइंड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल पोजिशन अभियंतरा परिग्रह और एक्सटर्नल पोजिशन दैट इज बाया परिग्रह। एमंग विच जो इंटरनल पोजिशन है वो रॉन्ग बिलीफ्स हो सकते हैं, और ये मेनली इंटरनल पोजिशन होते हैं। इसमें आते हैं थ्री पोजिशन सच एज मेल सेक्स सॉरी इसमें आते हैं थ्री सेक्स पेशन सच एज मेल फीमेल और न्यूट्रल, और जो सेकंड है वो है इसमें आते हैं सेकंड सॉरी सिक्स डिफेक्ट्स। इसमें इंक्लूड किया जाता है लाटर को, लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को, सॉरो फियर डिस्गस्ट को, और जो थर्ड वन है वो है फोर पेशेंस सच एज प्राइड डिसाइडफुलनेस ग्रीड और सभी पेशेंस जो कि हमारे पास होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है विद इन द इंटरनल पेशेंस। नाउ अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल पेशेंस की, ये जो पेशेंस हैं ये आल्सो हमें डिवाइड देखने को मिलते हैं विद इन द सब क्लासेस विद इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ये जो एक्सटर्नल पेशेंस हैं ये बेस्ड ऑन होते हैं मटेरियल पोजिशंस ऑफ वर्ल्ड पे। बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल पेशेंस जो हैं इनको हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब इनको प्रूव किया जाता है विद इन द जैनिज्म एज हिंसा और इंजुरीज एज वेल। नाउ अगर हम बात करते हैं अनुवातास माइनर वोवस की, ये जो माइनर वोवस हैं ये एक्चुअली डील करते हैं कैसे एक पर्सन डेवलप कर सकता है सेल्फ डिसिप्लिन को। वो जो हिस्टोरिक टेक्स्ट्स हैं जैनास के वो एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी ले पर्सन इंडल्ज हो सकता है विद इन द हिंसा या वायलेंस में, और माइनर वोवस की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और वो रिड्यूस कर सकता है इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस को। और अगर हम इन माइनर वोवस की बात करें इनको कंसिडर किया जाता है जैनिज्म में एज ग्रेट वोवस, जो कि एक्चुअली हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं विद इन दियर डिग्री सच एज ब्रह्मचार्य जो हैं इसका मतलब है अवॉइड करना सेक्सुअल डिज़ायर्स को, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब है सक्सेस सॉरी फेथफुल रहना अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली। अकॉर्डिंग टू जॉन कोट नॉन वायलेंस और अहिस्मा को अवॉइड करने के लिए एक पर्सन को अवॉइड करना चाहिए सभी फॉर्म्स वायलेंस के, सच एज एक पर्सन को हार्म नहीं करना चाहिए अर्थ को, वाटर को, फायर को, विंड को, वेजिटेबल को या लाइट बींग्स को। दस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हाउस होल्ड डिसिप्लिन के लिए जो माइनर वोवस हैं वो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल, जिसके थ्रू जो पर्सनस हैं वो वायलेंस आकर नहीं कर सकते टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज पर्सनस प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को फ्राम सफरिंग स्लॉटर या इंजुरी से। अपार्ट फ्राम दिस मेजर एंड माइनर वोवस हमें आल्सो सप्लीमेंट्री वोवस देखने को मिलते हैं। दीज आर थ्री गुनास वारतास जिन्हें हम मेरिट वोवस कहते हैं, और फोर शिक्षास वारतास जिन्हें हम डिसिप्लिनरी वोवस कहते हैं। बिसाइड्स हमें सलीखाना वोव देखने को मिलता है जो कि डिस्क्राइब करता है एंड ऑफ लाइफ, जो कि दोनों के लिए होता है फॉर हाउस होल्डर्स और एसेटिक्स के लिए। और ये जो वोव है ये मेनली डील करता है हमारी कॉमन डे लाइफ के लिए, और ये डील करता है विद द लाइफ ऑफ एनी प्रीस्ट या नन पर्सन। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट पुरुषार्था सिद्धा पाया जो मेरिट और डिसिप्लिनरी वोव्स हैं उनको हम टुगेदर बोलते हैं एज सीलास, जो कि हेल्प करते हैं
एक पर्सन को सेफ गार्ड करने से फ्रॉम हिंसा वायलेंस और इंजरी से। और मेजर और माइनर वोस में से जो माइनर वोस हैं वो लेसर वोस होते हैं या जिन पे लेस रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्ड सच एज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली या कम्युनिटी सोसाइटी। बट जो जेन मॉक है उसके लिए मोर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सच एज मेजर वोस। और ये जो माइनर वोस हैं ये डील करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क से जो कि लिमिटेड हमें देखने को मिलती हैं विद इन जो कि लिमिटेड हमें देखने को मिलती हैं इन द टाइम स्पेस। और इन माइनर वोस में हम आल्सो इंक्लूड करते हैं वर्तास को सच एज गुना वर्तास जो कि वेरियस कंसेप्ट से डील करता है सच एज फर्स्ट अगर हम बात करें दिग्वार्ता की जिसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट टुवर्ड्स डायरेक्शन। सेकंड वन है वो है बुगा पा खो गा परिमाणु जिसका मतलब है लिमिटेड कंजप्शन या नो कंजप्शन एक पर्सन को लिमिटेड कंज्यूम करना चाहे या उसको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहे। और जो थर्ड वन है वो है अनार्था दना विरामाना जिसका जो कि डील करता है मेनली अवॉइड करने के लिए हार्मफुल ऑक्यूपेशंस एक्टिविटीज़ को या पर्पजलेस सिंस को। और जो शिक्षा वार्तास हैं इसमें आते हैं समाकिया जो कि डील करते हैं विद मेडिटेशन कंसंट्रेशन पीरियोडिकली अपार्ट फ्रॉम दिस दिशा वार्ता जो कि डील करता है विद लिमिटेड मूवमेंट टू वेरियस प्लेसेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। और परु सदु पवासा जिसका मतलब है फास्ट ऑब्जर्व करना एट रेगुलर इंटरवल्स। इसके अलावा आती थी समी विभाग इसका मतलब है ऑफर करना फूड को नीडी पीपल को और एसेडिक्स को जो कि मेनली नन्स और प्रीस्टेस होते हैं। और उसके बाद हमें वो ऑफ सलीकाना देखने को मिलता है जो कि बोथ एज आई ऑलरेडी मेंशन जो कि हम बोथ को फॉलो करने होते हैं फॉर कॉमन एवरीडे लाइफ और नन्स और प्रीस्टेस को एज वेल चूँकि मेनली डील करता है एसोसिएट करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ से या उसके कर्मा से या डीड से। अकॉर्डिंग टू पुरुषार्था सिदायापा जो सालीखाना वो हैं ये हमें देखने को मिलता है फॉर बोथ हाउस होल्डर और एस्थेटिक्स के लिए जो कि बोथ कैरी नहीं करते हैं अपने वेल्थ को या नहीं कर सकते हैं अपने वेल्थ पेटी को अपने साथ। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।